सो हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और भाई, आप सभी का रैंक कुछ भी अच्छा चल रहा होगा और कईयों का कॉन्कर हो गया, कईयों का नहीं हुआ। जिसका नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको मोटिवेट करने के लिए। आपका एजी कॉन्कर हो जाएगा, ठीक है। देखो, मेरा कॉन्कर कल ही हो जाता, बट यार 31 का माइनस हो गया जिसके चक्कर में नहीं हुआ और यहाँ पे मेरा 14 पॉइंट्स रह गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख लो यार, कल मैंने 14 किल के साथ एक खतरनाक चिकन डिनर निकाला था, बट भाई इस गेम को मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और प्लस देख लो इसमें कितना मिला अपने को। और भाई मेरी रैंक चल रही थी लगभग 1000 के आसपास, फिर यहाँ पे 39 का प्लस मिला अच्छा खासा। अब भाई इतना अच्छा खासा प्लस करने के बाद ना, इसके बाद के मेरे जो दो मैचेज है वो थोड़े से खराब चले गए, उनमें मेरा टॉप 10 भी नहीं हो पाया। नहीं तो भाई 14 का पॉइंट मेरे को मिल ही जाता, 14 पॉइंट मिल ही जाता तो मेरा आराम से कॉन्कर हो जाता। बट कोई ना, देखो आज यहाँ पे 14 पॉइंट का रिक्वायर्ड दिख रहा था, बट मैं जब पुश करने लगा ना तो यहाँ पे भाई 14 पॉइंट का रिक्वायर्ड था, बट मैंने आज 100 प्लस किया है। तो सोच सकते हो कि भाई जो पॉइंट है किस हिसाब से भाग रहा है। और भाई जिस हिसाब से पॉइंट भाग रहा है ना, अगर इस हिसाब से आप थोड़ा सा भी मिस्टेक वगैरह करते हो, अपना रैंक पुश करने में थोड़ा सा भी लापरवाही करते हो ना, तो भाई आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं जो टिप्स बताऊंगा ना इस मैच में, बस उसको अप्लाई करना। अब यहाँ पे आप इवेंट पे देखो, सबसे पहले आपको इवेंट पे किल्स निकालना ही निकालना है कैसे भी करके। अब आप यहाँ पे आने के बाद चाहे कैंप करो, चाहे कुछ भी करो, कोई भी ट्रिक लगाओ यार, ठीक है। बट भाई वो कुछ गलत तरीका चीट वगैरह मत लगा लेना। अब देखो यहाँ पे एक नियत्था बंदा भाई दौड़ रहा था, मैं सोचा चल के इसको दौड़ के मार दिया जाए, नहीं तो भाई इसका किल कोई और ही ले लेगा, वैसे इसको कोई ना कोई मार ही देता। यहाँ पे हमने इसको फिनिश कर दिया और हो जाते हमारे 2 किल। तो देखो यहाँ पे मैं इवेंट पे कैसे किल्स निकालता हूँ और आपको भी थोड़ा बहुत सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इस वेयर हाउस में एक बंदा रहता है, मैं सोचा ठीक है घुसो अंधा। अब भाई यहाँ पे मेरे को कंटेंट बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे एकदम से अंधा घुस रहा हूँ और किल्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। और एकदम से नेडर होके मैं निकाल रहा था यार, और यही अंधा पुश करने के चक्कर में कभी कभी मैं मर भी जाता हूँ। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ इस घर में भी बंदा रहता है, इसको देखो कैसे किल करेंगे। और यहाँ भाई आपको ना थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है यार, बंदा सामने आता है, ओपन में आता है, उसको इजी भरी दो। यहाँ पे देख लो मैं इतना अंधा खेल रहा था इस घर में, मेरे को यहाँ पे बंदों का नेट वेट फोस्टेप वगैरह आते हैं और यहाँ पे एकदम से अंधा घुस जाता हूँ। और भाई घुस के बाहर भी निकल आता हूँ ना, तो मुझे कोई बंदा दिखा ना ही कुछ दिखा, मैं क्या ही बताऊँ। अब वापस आता हूँ और भाई इस घर में एक ऑलरेडी बंदा होल्ड कर रहा है, फिर देखो उसको मारेंगे। उसके पहले देखो यहाँ पे सामने एक और बंदा स्पॉट हो जाता है, उसको मारेंगे। अब ये भैया जी सामने किसी बंदे से फाइट ले रहे होते हैं, बट भाई इनको इधर पे हमने थर्ड पार्टी में किल कर दिया और हो जाते हमारे यहाँ पे देख लो अच्छा खासा 4 किल, बहुत ही इजी तरीके से हो गए। अब देखो ये भैया जी इधर पे भाई क्या ही दिमाग लगा रहे होते हैं। मैं सोचा ठीक है भाई इसमें वगैरह किए हैं, बुद्धि तो मेरे पास भी है ना, मैं भी अपनी बुद्धि लगा सकता हूँ। फिर देखो इसको कैसे किल करेंगे। अब यहाँ पे भाई रस्सी से ऊपर आता हूँ और भाई जी यहाँ पे सीढ़ी पे ही टीपीपी लेते रह जाते हैं और इनको इधर पे एजी किल कर देता हूँ। जैसे इसको मारता हूँ देखो यहाँ पे भाई मैं एकदम से लूटने में बिजी हो जाता हूँ। और यहाँ पे मेरा एक सब्सक्राइबर भी है इस मैच में जो कि मेरे को ठेल देता है यार, ठीक है, पुश करके मार देता है मेरे को। गलत सीन हो गया, फिर यहाँ पे मर जाते हैं। मैं उस सीन को दिखाऊंगा नहीं कितने गंदे तरीके से मरा था बिना मतलब का। फिर भाई मरने के बाद मैं सोचा ठीक है यार चल के अब जॉर्जो सिटी लूटेंगे, यहाँ पे मुझे रिवेंज रिवेंज वगैरह से कोई लेना देना नहीं रहता, मैं रिवेंज अब लेता ही नहीं, ठीक है। वो तो कभी कभी ले लेता हूँ, थोड़ा सा ईगो पे बात आ जाता है, तो आप लोग ऐसा मत किया करो यार। और रिवेंज के चक्कर में कभी कभी मेरा माइनस भी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जब मैं लैंड करता हूँ ना तो पैराशूट अपना ऊपर ही खोल लेता हूँ ताकि मेरे को पहले से कोई गाड़ी वगैरह स्पॉट हो जाए, फिर जाके मैं ले सकूँ। जैसे इधर पे आता हूँ देखो सामने एक बंदा स्पॉट होता है जो कि मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि भाई ये बोट है। और हाँ ये एक बोट ही रहता है और इसको मार के यहाँ पे हमारे अच्छे खासे 6 किल हो जाते हैं। अब आता हूँ भाई अपार्टमेंट्स इस साइड का और उस साइड का पूरा लूट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे को पावर के नाम पे कुछ भी नहीं मिला, ना तो तलवार मिली ना तो वेब शूटर। फिर देखो गाड़ी जाती है। भाई केवल एक ही हेडशॉट कनेक्ट कर पाया यार, बाकी यहाँ पे मेरे जो स्कोप है पूरा लहरती रह गई एकदम से। और देखो यहाँ पे मैंने इसको डैमेज कर दिया था तो मुझे पता था भाई ये मेरा ब्रिज ब्लॉक करेगा ही करेगा, उसके पहले तो ये खुद को हील भी करेगा ना, तो मैं सोचा ठीक है यार निकले जो होगा देखा जाएगा। फिर देखो यहाँ पे सीन क्या होगा।
अब देख लो यार यहाँ पे भैया जी मात्र एक बीता बचते हैं यार, नहीं तो इनको यहाँ पे कुचल के चला जाता, अच्छा खासा मजा ही आ जाता। बट कोई ना, गाड़ी लहराते हुए बचते बचाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे भाई डेड सर्कल बना नहीं है, बनने ही वाला है, फिर देखो कहाँ पे जाके होल्ड करेंगे। अब देखो डेड सर्कल बना, अभी यहाँ पे भाई अच्छे खासे 25 बंदे बचे हैं और इस लास्ट के सर्कल में। और भाई जैसे ही जोन बनता है ना, तो यहाँ पे देख लो राइट में कंपाउंड था, मैं सोचा अगर यहाँ पे कोई बंदा नहीं रहेगा तो शांति से यहीं पे होल्ड कर लेंगे, ज़्यादा कहीं जाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और भाई यहाँ पे होल्ड किए रहता हूँ, देखो यहाँ पे भाई सीन क्या होगा। अब यहाँ पे मैं वेट ही कर रहा होता है कि भाई किसी गाड़ी का रोटेशन वगैरह आ जाए फिर। भाई यार कसम से क्या ही किस्मत था भाई का, भाई इनका किस्मत यहाँ पे है, चलो ठीक है, बट भाई मेरे साथ ऐसा नहीं हो तो सामने वाले बंदे के साथ में हो, एनिमी के साथ में हो। और भाई यहाँ पे उसको एजी फिनिश कर देते हैं। देखो यहाँ पे भाई लेटा रहता हूँ, किसी बंदे का कुछ रोटेशन वगैरह तो आता नहीं, तभी आता है यहाँ पे एक ये वाला सुपर कार जो भी है। यहाँ पे यार हमारी थोड़ी सी फाइट होती है, इसके पास यहाँ पे शॉटगन रहता है, तो मैं सोचा ठीक है शॉटगन तो मेरे पास भी है, अब डरेंगे थोड़ी ना हम तुमसे। अब देखो यहाँ पे मैं अपने बग्गी पे स्मोक पहले कर लेता हूँ, क्योंकि भाई जोन स्ट्रिंग होने वाला था तो हमें जोन में भी जाना था, तो उस बात के लिए मैं सोचा ठीक है पहले से प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तभी इस बंदे को यहाँ पे पीछे से कोई योद्धा निपटा देता है, तो मुझे लगा ठीक है यार ये भाई सब यहाँ पे निपट गए, नहीं तो इनको मैं पक्का निपटा देता। और यहाँ पे देख लो भाई अच्छे खासे मेरे 7 किल भी हैं, और यहाँ पे हमारा टॉप 10 भी होने वाला है। बाकी इस बंदे को भाई जाते जाते क्या ही हेडशॉट मारा। अब यहाँ पे देख लो कई सारी गाड़ियाँ जो आपस से गुजर जाती है, तो ठीक है मैं सोचा अब मुझे भी जोन में जाना चाहिए। अब देखो जैसे इधर पे आता हूँ, ये बंदा भी यार हल्का सा बच गया, नहीं तो इसको भी इधर पे कुचल के मार ही देता। अब ये भाई जी शायद यहाँ पे हील विल नहीं किए थे, या फिर इनको कोई और डैमेज कर दिया, तो ये वही बग्गी वाले थे, इनको इधर पे एजी किल कर देता हूँ। देखो लास्ट का मैं यहाँ पे भाई क्या ही कर रहा हूँ, और जोन यहाँ पे श्रिंक होने लगा, और यहाँ पे मैं एकदम मस्ते में लेटा हुआ हूँ बिना मतलब का। अब यहाँ पे भाई उस बग्गी से मैं जा सकता था, बट भाई मेरे अंदर चुल थी कि नहीं नहीं मैं मेरी ही बग्गी लेके जाऊँगा। फिर देखो यहाँ पे स्प्रे आता है, जैसे तैसे तो यहाँ पे बचता हूँ। अब भाई आगे से भी बंदा यहाँ पे फायर करता है, देखो यहाँ पे मैं स्मोक कर रहा होता हूँ, और यहाँ पे भाई बैंडेज फेंक दिया गलती से। और भाई इसी चक्कर में ना कसम से आज मेरा चिकन मेरे से चला गया यार, बार बार मैं स्मोक किए जा रहा हूँ बट भाई हाथ से बैंडेज फेंका जा रहा है, तो भाई इसी वजह से मेरा यहाँ पे चिकन चला गया। अब देखो यहाँ पे सामने एक बंदा है जिसका फुर्साया था, यहाँ पे मैं लेटा हूँ शांति से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ग्रेनेड कर रहा हूँ, मैं चाहता तो अच्छा खासा जाके उसको शॉटगन से धब्बा दे के मार सकता था, बट भाई यहाँ पे बंदों को यार साउंड आ जाता है, और यहाँ पे मेरे पे पुश करके अच्छा सा मार देता है। फिर भी देख लो इस बंदे को भी अच्छा खासा डैमेज यहाँ पे हो गया था नेट से और गन से, और यहाँ पे भाई मेरे को अच्छा खासा 27 का प्लस मिल गया था। अब देखो यहाँ हमारा सेकंड गेम प्ले, अब देखो यहाँ पे मैं कितने सारे और कैसे किल्स निकालूंगा। सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लैंड करता हूँ भाई, मेरा यही ड्रॉप है, ठीक है। मैं सीधा मेन बिल्डिंग में आता हूँ, और आसपास बंदे रहते हैं तो उनको मारने का ट्राई करता हूँ, बट यहाँ पे कोई बंदा रहता नहीं, कोई दिखता भी नहीं। तभी देखो नीचे एक बंदा रहता है, तो मैं सोचा ठीक है यार अब इसी से फाइट लिया जाए, फिर देखो उसको कैसे भरेंगे। अब मुझे भाई बंदे के साउंड से लग रहा था कि यहीं पे बैठा है, मौली करता हूँ, बंदा पीछे भागता है। अब देख लो यहाँ पे मेरे पास हाथ में नेड था, नहीं तो भाई बंदे को स्प्रे करके अब तक मार दिया होता।
बाकी भाई बंदे का क्या ही खतरनाक नेट आया यार, जैसे तैसे करके यहाँ पे बची गया। थोड़ा सा और कुक करके डालता ना तो यहाँ पे मैं फिनिश ही हो जाता, बट यहाँ पे बची गया जैसे तैसे करके। फिर मैं सोचा ठीक है यार, इतना लंबा फायर चल रहा है बिना मतलब का, चल के इनको यहाँ पे फिनिश ही कर देते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मतलब भैया इतना मेहनत किया इसके लिए, इनको यहाँ पे जी फिनिश करने के लिए, और यहाँ पे भाई इसको मार के कम से कम मेरा यहाँ पे खाता तो खुल गया था। तभी देखो यहाँ पे एक और बंदे का अपने आप को पूछा जाता है। और यहाँ पे यार मेरा 6x हो रखा था और ये बंदा यहाँ पे यार बच के चला गया, बहुत ही बुरा लग रहा था। एक फ्री का किल चला गया मेरे हाथ से, पर तभी देखो यहाँ पे एक दूसरा बंदा रहता है। और इसको किल करके यहाँ पे हमारे अच्छे खासे 2 किल हो गए। अब यहाँ पे देखो ऊपर एक बंदा है, अब भाई वो बंदा मेरे को ना काफ़ी यहाँ पे परेशान करके रखता है, बट भाई लास्ट में उसको जो ही गंदी मौत देंगे ना, कसम से देख के आपको भी मजा आ जाएगा। तभी यहाँ पे एक और बंदा पुश कर देता है। और भाई इस बंदे को यहाँ पे इजी फिनिश कर देते हैं और हो जाते हैं हमारे यहाँ पे फाइनली 3 किल तो हो गए। अब यहाँ पे 3-4 किल इवेंट पे मेरे हो जाते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ भाई बहुत है। बाकी देखो यहाँ पे ऊपर कुछ बंदों की फाइट होती है, अब इनका नाम पढ़ लो यहाँ पे भाई, स्पाई टॉक्सिक करके है कुछ ऐसा, ठीक है। और भाई ये बंदा मेरे को यार काफ़ी परेशान करके रखा था, और यहाँ पे भाई ऊपर ये कम से कम 3-4 बोट को मारा होगा और 1-2 बंदों को भी मारा होगा। भाई इतने सारे किल सुपर से निकाला, तो जिस वजह से भाई मुझे कुछ ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर मैं सोचा ठीक है इधर से निकलूँ, बट भाई ये मेरे को यहाँ से निकलने भी नहीं दे रहे थे। अब यहाँ पे भाई मेरा बस एक ही मिशन था कि यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकल जाऊं और बाकी इस बंदे को भाई खोज के मारूं। अब आगे आता हूँ, बग्गी उठाता हूँ और वापस आ जाता हूँ इसको खोजने के लिए, बट ये भाई साहब यहाँ पे मेरे को मिलते नहीं है। अब जैसे ही शॉप से आगे जाता हूँ, देखो यहाँ से एक बंदे का फुटस्टेप आता है। मैं सोचा ठीक है यार, अपने को क्या टेंशन है, अपने पास अभी तो रिकॉल है ना, तो आराम से फाइट ले सकते हैं। फिर देखो अब भाई साहब का यहाँ पे नाम पढ़ लो यार, स्पाई टॉक्सिक, कसम से इसको मार के दिल को जो सुकून मिला था, जो करार आया था दिल में ना, मैं क्या ही बताऊं। और यहाँ पे इसको फिनिश करके अपने अच्छे खासे 4 किल हो गए थे। अब एंट्री करते हैं सीधा लास्ट के सर्कल में। देखो यहाँ भाई अच्छे खासे अभी भी 28 बंदे बचे हैं, तो मैं सोचा ठीक है यार टॉप 10 सर्वाइव करेंगे और टॉप 10 चलते चलते हमारा 1-2 किल हो जाएगा। अब देखो यहाँ भाई बग्गी से एग्जिट करने का क्या स्टाइल है, और इसी की वजह से भी मैं लास्ट में इस मैच में मरने भी वाला हूँ। अब इन भाई साहब के पास यहाँ पे स्प्रे करता हूँ, लेकिन मैं सोचा इधर से निकल जाएंगे और इधर भी पुश कर देते हैं मेरे पास ही। देखो बाकी जब बंदे के पास शॉटगन रहता है ना, तो भाई उसके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है, बट इसको यहाँ पे जैसे तैसे करके फिनिश कर दिया। और भाई पीछे से भी एक बंदे का फुर्स आ रहा था उस वाले घर में से, और लास्ट में भाई यहाँ पे मैं कुछ नेट वेट भी करता हूँ, लास्ट में जाके देखता हूँ, बट भाई बंदा यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो चुका था। फिर मैं अपने बग्गी पे स्मोक वगैरह करता हूँ, मैं सोचा ठीक है यार इधर से निकला जाए। बाकी यार ये जो अपडेट के बाद जो फीचर है कि आप बैंडेज वगैरह लगा सकती हो गाड़ी पे चलते चलते, ठीक है, तो यार इससे मज़ा आ रहा है मेरे को, ठीक है, काफ़ी आसान हो गया है। नहीं तो भाई रुक के हील करो, ये करो वो करो,
अब यहाँ पे यार थोड़ा सा अच्छा लगता है। बाकी देख लो अभी यहाँ पे अपने टॉप 10 नहीं हुआ था और अभी भी यहाँ पे 12 बंदे बचे हैं और सर्कल कितना छोटा हो चुका है और भाई बंदे घास में कहाँ कहाँ लेटे होंगे पहले ये सोच सकते हो आप। जैसे इधर पे आता हूँ मुझे ये वाला शेक खाली दिख जाता है, अभी के लिए तो सर्कल में बाहर है बट भाई यहाँ पे अभी के टाइम पे होल्ड कर सकते हैं ठीक है। अब देखो सामने एक बंदा रहता है जो कि बग्गी वग्गी लेके अभी निकल जाएगा और यहाँ पे मैं स्मोक करता हूँ क्योंकि मुझे एक राइट में बंदा दिखा था और आके देखता हूँ भाई वो बंदा नहीं रहता केवल यहाँ पे एक बग्गी रहती है और भाई यहाँ पे पेटी बनी है। अब ये वास्टार वाला बंदा इधर से बग्गी वग्गी लेके निकल जाता है। अब कुछ देर होल्ड करने के बाद मैं सोचा ठीक है मैं भी निकलूं, तभी देखो यहाँ पे सीन क्या होगा, सामने मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है लेटा हुआ। अब जो कि मेरे पे स्प्रे भी लेते हैं और इनको यहाँ पे इजी फिनिश कर दिया और हो जाते हैं हमारे यहाँ पे 6 किल ठीक है। अब यहाँ पे मेरी HP देखो, यहाँ पे यार रुक के मेरे को अगर हील कर लेना था, अगर हील कर लेता ना तो भाई इस बंदे को यहाँ पे मार लेता। बाकी देखो यहाँ पे मेरे से मिस्टेक क्या होता है, ये देखो भाई यहाँ पे मैं जंप करके ही एकदम से यार अधमरा क्या एकदम से मर ही चुका था मैं खुद से ही, कैसे बच गया क्या ही बताऊँ। फिर भी यार इस मैच में अपने को अच्छे खासे 23-24 के प्लस मिल गए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।